सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणेश चतुर्थी का दिन है, 31st of August 2022। और आज के दिन मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मेरे को जाना है अपने रॉड रिमूवल के लिए, इम्प्लांट रिमूवल के लिए जाना है, तो जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। डॉक्टर ने बुलाया था 8 बजे और अभी बज गए हैं सुबह के 9:30। मैं बहुत लेट हो गया, रात को सोया नहीं था, काम के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अब जा रहा हूँ, रेडी हो गए हैं। इस वीडियो के बाकी पार्ट आपको हॉस्पिटल से देखने को मिलेंगे, क्या होता है वहाँ पे, कैसा रहता है, क्या कौन कौन से टेस्ट हो रहे हैं, सारी चीज़ें चाहूँगा अगर टाइम मिला तो रिकॉर्ड करूँगा, वरना आपको वैसे बता दूँगा कि कौन कौन से टेस्ट हो रहे हैं, कैसा कैसा हो रहा है। देखते हैं कितने बजे होने वाला है। मुझे लगता है इवनिंग के टाइम में मेरी सर्जरी होगी, क्योंकि अभी तो जाके टेस्ट होंगे, फिर खाना वगैरह कुछ नहीं खाना। तो होप कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो, जो भी होगा आपको बताएंगे। प्लीज़ पॉजिटिव रहें और दुआ करें सब कुछ अच्छी तरह से हो जाए। रूम मिल गया है, ये रूम है। अभी जस्ट 15 मिनट पहले ना मुझे एक इंजेक्शन दिया जो कि मनोलोग नाम से था, और उसको लगाते ही मेरे को बहुत ज़्यादा वॉमिट हो गया। डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो होती है जो कुछ लगता है, बड़ा बेकार है ये एक्सपीरियंस सच में। बहुत ये जो मेडिसिन थी इसका नाम था मोनोकैफ, इसको लगाते ही ना जैसे ही इंजेक्शन लगाया, और इंजेक्शन लगाते ही उनको वॉमिट हो गई, बहुत ज़्यादा वॉमिट हुई थी। वो लोग भी कह रहे थे कि इतना ज़्यादा हुई, लेकिन वो कह रहे थे कि जी मछलाता है, ज़्यादा होता है। क्या कह सकते हैं, नया एक्सपीरियंस है, कर रहे हैं अभी ब्लड वगैरह ले गए। वो नया ड्रेस मिल गया है हमें, जो कि हमें उल्टा पहनाया गया है। ये पीछे साइड से बटन दिखेंगे आपको, और तैयार कर दिया है, कभी भी बुला सकते हैं डॉक्टर। तो थोड़ा अजीब सा ड्रेसअप है, लेकिन ठीक है, मैच कर रहा है देखो बेडशीट के साथ। कभी भी कितनी देर में बुला सकते हैं डॉक्टर, देखते हैं क्या होता है। जस्ट अभी आ गया हूँ सर्जरी के बाद बाहर, बहुत कमजोर लग रही है, सब ठीक चल रहा है। सर्जरी हो गई है, आ गए हैं नीचे, पेट से नीचे कुछ फील नहीं हो रहा है, सब झन 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 से वही है। डॉक्टर ने बोला है कि सब कुछ ठीक से निकल गया है, रॉड भी अभी वो लाएंगे यहाँ रखेंगे करी भी रॉड। कंडीशन क्या बोलूँ, ऊपर रिकॉर्डिंग अलावा नहीं थी तो मना कर दिया उन्होंने। बीच बीच में ऐसा लगा कि सांस तक रुक रही है, बहुत दिक्कतें हो रही थी, समझ नहीं आता, लेकिन फिलहाल ओके है सब। अब जैसे ही डॉक्टर आते हैं, अभी इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि नीचे की दर्द पता नहीं चल रही, क्योंकि झंझनाहट है पूरा, एनेस्थीसिया का अभी एनेस्थीसिया का असर है तो ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। जैसे ही वो असर ख़त्म होगा तो भयानक दर्द होने वाली है, उसके बाद पता नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँ या नहीं, तो देखते रहिए। अगर कोशिश करूँगा कि रिकॉर्ड करूँगा, ध्यान रखिए, डॉक्टर ने बोला सो जाओ, तो सोने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बोलना नहीं है ज़्यादा, कुछ खाना पीना नहीं है, इसलिए ध्यान रखिए अपना, बाय। अब सर्जरी को लगभग 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, पानी अभी तक नहीं पिया है, खाना भी तो कुछ नहीं खाया है, बस ये है कि पंजों पे जान आ रही है तो पैर हिला पा रहा हूँ, दर्द अभी तक नहीं महसूस हो रहा है, कुछ देर बाद दर्द महसूस होगा ये तो पता ही है, वेट कर रहे हैं।
तो रात के बज रहे हैं लगभग 10 और सारी दवाइयाँ खा ली है। 10:30 हो रहा है ना, हम 10:30 हो रहा है क्योंकि घड़ी मेरे पास नहीं है तो मुझे पता नहीं है। ये जो चढ़ रहा था ये ख़त्म हुआ फाइनली, अभी ख़त्म हुआ ये, तो ये ख़त्म हो गया। 10:30 बज रहे हैं आज रात, अब सोना है, कोशिश करनी है सोने की क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिकवरी के लिए। डॉक्टर ने बोला था, वेट कर रहा था कि मेरे जो इम्प्लांट रिमूव किए थे वो आएंगे लेकिन वो नहीं आए, क्यों रीज़न पूछ रहे थे, किससे पूछे, डॉक्टर से कल बात करेंगे। फिलहाल बस ठीक रहा पहला दिन, आज डे 1 था ये सर्जरी का, तो स्टार्टिंग से एंड तक आप लोगों ने देखा। अभी मैं सो रहा हूँ तो अभी यहाँ वीडियो कर दूंगा बंद। नेक्स्ट वीडियो कल बनाएंगे, लाइव 2-3 दिन तक नहीं आ पाएंगे उसको आपको पता ही है। आप लोग भी अपना ध्यान रखें। अभी की कंडीशन अगर मैं बताऊँ, अगर आप लोग साथ शेयर करूँ, तो पेन है, यस पेन है, वो पेन किलर भी दिया है उसके बाद भी पेन हो रहा है। वो पेन हो रहा है जहाँ से आपको स्टिचेस रिमूव किए, मतलब जहाँ से हमारे रॉड निकाली, मेरा पटेला का जो फ्रैक्चर था घुटने के पास, वहाँ पेन है। पेन तो होगा यार, ऑब्वियसली बात है, टूटा है कटा है तो पेन हो रहा ही है, उसके लिए तैयार था। तो बस यही है, नींद आ जाए। सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है किसकी होती है, जहाँ एनेस्थीसिया दिया है ना उस एरिया में बहुत पेन हो रहा है, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, किसी का वेट कर रहे हैं। चलिए आज की वीडियो यहीं पे क्लोज, मिलते हैं नेक्स्ट, कल क्या होता है बताते हैं आपको। बाय बाय, टेक केयर।